हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मल्टी बैगर वर्ल्ड। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ निफ्टी 50 की कंपनीज देने वाला हूं, जिसमें बाइंग के लिए भी ही दिखाई दे रहे हैं। कि आपने देखा था कि मार्केट में जो निफ्टी है वो गैप अप ओपनिंग देने के बाद काफ़ी ऊपर गया था, और यहाँ पर उसके जो व्यूज़ हैं उसमें देखने को मिल रहा है। हमारे चार्ट में जो टेक्निकल चार्ट है उसमें दिखाई दे रहा है कि मंडे मार्केट में भी ये ऊपर जा सकता है। तो निफ्टी का भी मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा, और उसमें जो बाइंग के लेवल बन रहे हैं निफ्टी 50 के फ्यूचर में, और वहाँ पर भी मैं आपको कुछ लेवल दूंगा। और उन जो निफ्टी 50 कुछ कंपनीज़ हैं जिनमें बाइंग के लेवल दिखाई दे रहे हैं, और ज़्यादातर कंपनीज़ में बाइंग के लेवल ही दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि देखा जा सकता है कि मंडे मार्केट में भी निफ्टी बाइक के ट्रेंड में ही देखने को आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको लेबल दूंगा उन कंपनीज़ में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को प्रेस कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले जो वीडियो हैं उससे अपडेशन आपको मिल सके, और आप उन स्टॉक्स में लेबल के साथ वर्क कर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकें मार्केट में। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं हम, और जानते हैं कि वो स्टॉक कौन से हैं, और निफ्टी का भी चार्ट हम देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हमको सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखना है। तो निफ्टी का जो चार्ट है, आपको फ्राइडे मार्केट में जो इसने ट्रेंड दिया था वो आपको देखने को मिल रहा है, कि यहाँ पर इचिमोकू क्लाउड में आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ब्रेक कर काफ़ी ऊपर गया है ये, और अभी भी जो इसका एवरेज है वो पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको मंडे मार्केट में इसमें बाइंग देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर भी मैं आपको लेवल कुछ दे रहा हूँ बाय करने के लिए, तो आप निफ्टी फ्यूचर में यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं 11,320 से, और जो टारगेट होगा 11,370 का, यानी कि 50 पॉइंट का मैं आपको यहाँ पर टारगेट दे रहा हूँ। स्टॉप लॉस भी आपको 50 पॉइंट का भी यहाँ पर दे रहा हूँ, तो 11,270 का आप इसमें स्टॉप लॉस लेकर चलिएगा निफ्टी फ्यूचर में। और यहाँ पर अगर पॉजिटिव देखने को मिलता है मार्केट में, तभी उसमें आप बाइंग कर चलिए, और हो सकता है कि आपको 11 यहाँ पर, अगर आपको कुछ डाउट आ रहा हो कि इसमें आप फंस सकते हो, तो यहाँ से आप 320 की जगह आप 325 से बाय कर चल सकते हैं। जो भी इसकी क्लोजिंग रही है उसके ऊपर से आप उस लेवल के कुछ ऊपर से ही बाय कर चल सकते हैं। और जो इसके स्टॉक हैं, अब वो देख लेते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने आपको गेल दिया था, जो भी रिवर्सल कॉल थे उसमें गेल भी शामिल था, जिसमें मैंने आपको काफ़ी अच्छा टारगेट भी दिया है, और ये इसमें बाइंग काफ़ी शानदार बनी हुई है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसमें बायर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जो लेवल दे रहा हूँ बाय का, वो 280.20 का है, और जो टारगेट है 285 का, और स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे 275 का। और जो नेक्स्ट कॉल है हमारा उसे भी देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट कॉल हमारा आ रहा है गेल के बाद, तो यहाँ पर इंडसइंड बैंक में आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। तो इंडसइंड बैंक में यहाँ पर आप देख रहे हैं एक पॉजिटिव ट्रेंड काफ़ी टाइम से बना हुआ था, और इंडसइंड बैंक बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी अच्छा आपको बायर इसमें देखने को मिले हैं, ट्रेंड भी आपको पॉजिटिव भी देखने को मिला है काफ़ी टाइम से। तो यहाँ पर भी अभी एक रिवर्सल वापस लेकर वो फिर से वापस ऊपर आया है, और यहाँ पर भी आपको बायर ही देखने को मिल रहे हैं। वैसे तो इन स्टॉक्स में आपको ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ये ट्रेंड होते हुए नहीं दिख रहा होगा, इनमें ट्रेड इतने ज़्यादा नहीं हो रहे हैं जितना कि मिड कैप स्टॉक्स में हो रही है अभी ट्रेडिंग, उतना ज़्यादा आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है इन कंपनीज़ में। बट इसलिए हम इसमें सिर्फ छोटे छोटे टारगेट ही लेकर चलेंगे, यानी कि 1% के आसपास ही टारगेट लेकर चलेंगे, ज़्यादा बड़ा मैं आपको इसमें टारगेट नहीं दे सकता हूँ। तो यहाँ पर हम इसमें बाय का जो लेवल है वो 1996 से बाय का लेवल बना हुआ है इसमें, और जो टारगेट है आपका 2020 के आसपास भी आप दे सकते हो, 2015 पर भी आप इसमें क्रॉस ऑफ कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा लंबा टारगेट नहीं लेना है तो। और जो स्टॉप लॉस है वो 1970 का स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं इसमें। तो इंडसइंड बैंक के बाद जो आपको कंपनी देखने को मिल रही है वो अपनी HDFC, जिसमें आप सभी जानते हैं कि HDFC में कितना शानदार मोमेंट रहता है, और यहाँ पर इसमें फिर से बायर लौट आए हैं थोड़ी सी सेलिंग होने के बाद, 3 दिन सेलिंग इसमें देखने को मिल रही है, उसके बाद 4 दिन से ये कंटिन्यूस पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है, वो भी गैप अप ओपनिंग के साथ। डेली इसने 4 दिन गैप अप ओपनिंग ही दी है, और यहाँ पर मंडे मार्केट में भी इसमें बायर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमको बाइंग देखने को मिल रही है वो हमें 2052 से यहाँ पर बाय करना है हमको, और टारगेट जो रहेगा 2075 का मैंने इसमें आपको टारगेट दिया है, और गैप अप ओपनिंग के साथ ही नहीं, गैप अप ओपनिंग यहाँ पर मुश्किल है कि हो,
और अगर होती है तो काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और स्टॉप लॉस जो है वो हमारा 2025 का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे इसमें। अब जो नेक्स्ट कंपनी है वहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सी हमें नेक्स्ट कंपनी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ टाटा मोटर्स जो बहुत ज़्यादा सेलिंग चल रही थी इस स्टॉक में, और यहाँ पर एक रिवर्सल आया है अभी 3-4 दिन पहले, जो आपको ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही होगी एक छोटी सी यहाँ पर, तो यहाँ पर एक रिवर्सल देखने को मिला है और यहाँ से वापस ऊपर ट्रेंड में आया है और एक बड़ी कैंडल के साथ यहाँ पर एक बाइंग देखने को मिली है। तो इस फ्राइडे का जो हाई है वो उस हाई को अगर ब्रेक करता है तो हमको अपना टारगेट मिल सकता है मंडे मार्केट में। तो यहाँ पर हम बाय कर चलेंगे हाई के ऊपर के प्राइस से, तो हमारा जो बाय का प्राइस रहेगा वो 270.50 का, और टारगेट होगा हमारा वो 273.50 का रहेगा हमारा, और जो स्टॉप लॉस है 267 का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे इस स्टॉक में। और चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक के लिए। तो नेक्स्ट स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है हमारा टाइटन कंपनी का। तो यहाँ पर टाइटन कंपनी में आपको बाइंग दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए कितने शानदार इधर पर एक बड़ी सी कैंडल इसने बनाई थी फ्राइडे मार्केट में, और इसमें इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है इसलिए इसमें हम एक जो टारगेट है वो छोटा ही लेकर चल रहे हैं, यानी कि 1% के ही अंदर का टारगेट लेकर चल रहे हैं। और यहाँ पर हम बाय कर चलेंगे फ्राइडे मार्केट के जो हाई है वहीं से हम बाय कर चलेंगे इस स्टॉक में। तो बाय का जो लेवल है वो 896 से है, और जो टारगेट हम लेकर चल रहे हैं वो 905 का, स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 885 का। अब हम नेक्स्ट कॉल देख लेते हैं अपना टाटा स्टील। टाटा स्टील में आप सभी जानते हैं कि स्टील सेक्टर में अभी काफ़ी अच्छी बाइंग बनी हुई है, तो यहाँ पर भी हम टाटा स्टील में भी बाय कर ही चलेंगे। और टाटा स्टील में जो लेवल आपको दिखाई दे रहे हैं वो बाय के ही लेवल दिखाई दे रहे हैं। आप चार्ट आपको भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ से सिर्फ बाय का लेवल ही दिखाई दे रहा है, तो इसमें भी हम जो बीच में से अभी हमें यहाँ पर अगर हम इसमें ऊपर का लेवल लेके चलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ऊपर से बाइंग देखने को मिलेगी। तो अगर ये लेवल इसने ब्रेक कर दिया जो फ्राइडे का हाई है, तो जो नेक्स्ट लेवल है उसको भी ब्रेक कर देगा और फिर वहाँ से ज़्यादा ऊपर जा सकता है। अगर उसने पिछला लेवल ब्रेक नहीं किया तो हम फिर ट्यूसडे मार्केट में भी इसमें बाइंग कर चल सकते हैं। तो यहाँ पर जो बाय का लेवल है वो अपना रहेगा 554.50 का, और जो टारगेट है 561 का लेकर चलेंगे हम, और जो स्टॉप लॉस है 548 का लेकर चल सकते हैं हम। ये याद रखिएगा कि आपको सिर्फ जो भी ट्रेडिंग करनी है वो हमेशा लेवल से ही करनी है। अगर आपको टारगेट के आसपास भी अपना प्राइस देखने को मिलता है तो वहाँ से भी आप अपनी पोजीशन क्रॉस ऑफ करके प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस आप वही लेकर चलिएगा, स्टॉप लॉस से छेड़छाड़ मत करिएगा। स्टॉप लॉस कई लोग नहीं लगाते हैं और या फिर अपना स्टॉप लॉस बढ़ा लेते हैं और वहाँ से उनका जो कैपिटल है वो स्टक हो जाता है, फंस जाता है मार्केट के अंदर, तो उससे थोड़ा बचकर चलें। और जो नेक्स्ट कॉल है हमारा ICICI बैंक का, और ICICI बैंक में आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार इधर पर बायर बैठे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा बाइंग इसमें चल रही है, तो यहाँ पर भी हम एक बाय का कॉल ही लेकर चलेंगे। तो जो हमें लेबल दिखाई दे रहे हैं वो 296 से हमको इसमें बाय करना है, टारगेट हमारा रहेगा 301 का, स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे हम 292 का। तो इसमें आप लेबल से ही वर्क करें और बायर इसमें देखने को मिल सकते हैं मंडे मार्केट के लिए भी। यही उम्मीद इसमें दिखाई दे रही है कि इसमें बायर ही हमें को देखने को मिले आगे मंडे और ट्यूसडे के मार्केट के लिए भी, क्योंकि यहाँ से जो लेवल बनाए यहाँ के लेवल जो है वो ट्यूसडे मार्केट में अगर मंडे मार्केट में ब्रेक करता है तो फिर मंडे को ही बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है, और नहीं करता है और ये पॉजिटिव ही ओपन होता है, और इस लेवल को अगर ब्रेक नहीं करता है वो, तो हमें ट्यूसडे मार्केट में भी इसमें भी बाइंग देखने को मिल सकती है। और जो नेक्स्ट कॉल हम ले बताने जा रहा हूँ मैं आपको वो एक्सिस बैंक का, ये भी बैंकिंग सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर का ही आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर एक्सिस बैंक में भी बाइंग देखने को मिली है फ्राइडे मार्केट के लिए भी, और बायर काफ़ी ज़्यादा थे इसमें फ्राइडे मार्केट में भी, और इसमें मंडे मार्केट में भी इसमें आपको बाइंग ही देखने को मिल सकती है। तो हम इसके जो लेवल हैं उस लेवल के आसपास ही बैठे रहेंगे, और जहां हमको जिस भी स्टॉक में सबसे पहले लेवल दिखाई देंगे आसपास वहां से हम अपनी जो पोजीशन है उसको वहां पर प्लेस कर लेंगे। जिन स्टॉक के पास भी हमारे जो बाइंग लेवल है उसको दिखाई देंगे तभी हमें उसको वहां पर ऑर्डर प्लेस करना है, ताकि अगर एक में हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है तो वहाँ से हम प्रॉफिट बुक कर निकल जाएं और नेक्स्ट स्टॉक के लिए तैयार रहें। तो
तो यहाँ पे एक्सिस बैंक में मैंने आपको लेबल दे दिए हैं 555.50 से हमको बाय करना है। टारगेट मैंने आपको दे दिए हैं 562 से, स्टॉप लॉस 549 से आपको लेकर चलना है। और जो लास्ट कॉल है हमारा रिलायंस इंडस्ट्री का, रिलायंस इंडस्ट्री में भी काफ़ी अच्छी बाइंग बनी हुई थी काफ़ी टाइम से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ से बहुत ज़्यादा इधर पर फॉल देखने को मिला था, और फिर यहाँ से जब क्रूड ऑयल के रेट थोड़े संभले थे वहाँ पर हमको यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायर्स फिर वापस लौटते हुए दिखाई दिए थे, और यहाँ पर फिर कंटिन्यूस चलता रहा। और इस लेवल को ब्रेक करने के बाद फिर ये रुका ही नहीं और यहाँ से और ज़्यादा चलता गया, और काफ़ी लोगों की इसमें होल्डिंग भी थी नीचे से, तो वो सभी होल्डर्स उन कंपनी के यहाँ पर प्रॉफिट में चल रहे हैं, करीब 200 रुपीज़ के प्रॉफिट में। तो सभी मोस्टली ऑलमोस्ट सभी चल रहे होंगे, या 150 या 200 रुपीज़ के प्रॉफिट में यहाँ पर वहाँ चल रहे हैं, प्रॉफिट में ही, मोस्टली प्रॉफिट में ही चल रहे हैं अभी तक। तो यहाँ पर आपको फिर से बाइंग देखने को मिल सकती है मंडे मार्केट में। तो यहाँ के जो लेवल हमको दिखाई दे रहे हैं वो बाई के लेवल 1140 से हमको बाई करके चलना है। टारगेट रहेगा हमारा 1152 का और स्टॉप लॉस 1128 का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मंडे मार्केट में प्रॉफिट हो, इसलिए आप लेवल के साथ ही वर्क करिएगा, और इस चैनल को आप जितनी जल्दी हो सके, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही अपडेशन मिलती रहे नए स्टॉक्स के लिए। जो भी लेवल आपको दिखाई दे, जो भी लेवल मुझे दिखाई देंगे वो मैं आपको देता रहूँगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, शुक्रिया, धन्यवाद।